फेवरेट सार यूट्यूब चैनल की तरफ से इस चैनल के सभी शिक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि एचएस में कितने मार्क्स मिलने से मिलता है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और कितने मार्क्स मिलने से मिलता है लेटर मार्क्स, और आप लोग कौन सी ऐप की मदद से एचएस का रिजल्ट देख पाएंगे और एचएस का रिजल्ट कौन कंडक्ट कराता है, इस सभी बातों को लेके, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन मुझे पूछा है इस चैनल के काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा, जो एचएस एग्ज़ाम दिए हैं और जो एचएस एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के ज़िंदगी में ज़्यादातर काम आएगा और आप लोग इनके जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं एचएस के बारे में। तो आप लोग जानते हैं हम लोग जो एचएस बोलते हैं, एचएस का दूसरा नाम है 12, ठीक है। हम लोग काफ़ी बोलते हैं 10+2 यानी 12, और हम बोलते हैं एचएस, एचएस का दूसरा नाम है 10+2, ठीक है, बट 12 हम लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा एचएस का जो फुल फॉर्म होता है वो फुल फॉर्म होता है हायर सेकेंडरी, ठीक है। इसको बंगाली में कहते हैं उच्च माध्यमिक, आप लोग ये समझ पाए। अब मैं बता रहा हूँ एचएस का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है AHSEC, याद रखिएगा एचएस का एग्ज़ाम कराता है काउंसिल, AHSEC का फुल फॉर्म है आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा आसाम का जो HSLC का एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराता है शेबा बोर्ड, ठीक है, लेकिन एचएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आसाम पे वो कराता है काउंसिल, कोई बोर्ड नहीं है, काउंसिल कराता है, काउंसिल का नाम है AHSEC, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अब एचएस का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम होता है टोटल एक स्टूडेंट का 500 मार्क्स का, एचएस में जितना सब्जेक्ट होता है 12 सब्जेक्ट है 500, ठीक है। 500 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उम्मीदवार इन 5 सब्जेक्टों में इंग्लिश बंगाली कंपलसरी रहता है और इसके बाद वो अपना चॉइस से सब्जेक्ट ले सकता है, और इसी तरह कुछ चेंजेस होता है आर्ट्स में, कॉमर्स में और साइंस में, ठीक है। इसलिए जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले और साइंस वाले, वो अपने चॉइस में एग्ज़ाम देते हैं अपने चॉइस वाले सब्जेक्ट में, जिन सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो याद रखिए क्या एचएस में सिर्फ इंग्लिश बंगाली और एक सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है, जिन सब्जेक्ट को एचएस वाले स्टूडेंट को लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए एचएस का टोटल एग्ज़ाम होता है 500 मार्क्स का, आर्ट्स वालों का, साइंस वालों का और कॉमर्स वालों का, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एचएस में कितना 500 में से कितना मार्क्स मिलने से मिलता है फर्स्ट डिवीजन। तो याद रखिएगा हम लोग पहले ही बता दिया कि एचएस में टोटल एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम होता है एक स्टूडेंट का 500 मार्क्स का। उन 500 मार्क्स में अगर कोई स्टूडेंट 300 मार्क्स ले आता है एग्ज़ाम पे तो उसको मिलता है फर्स्ट डिवीजन। तो सिंपल बात यही है, 500 में से 300 मार्क्स है फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। एचएस में 500 मार्क्स में अगर कोई 300 मार्क्स ले आता है तो उसको मिलेगा फर्स्ट डिवीजन, और सेकंड डिवीजन है 225 से लेकर 299 यानी 225 से लेकर 299 के बीचों बीच अगर कोई स्टूडेंट मार्क्स ले आता है तो उसको मिलता है सेकंड डिवीजन। और जो उम्मीदवार 100 से लेकर 224 के अंदर अगर कोई मार्क्स ले आता है कोई स्टूडेंट तो उसको मिलता है थर्ड डिवीजन। तो आप लोग समझ पाएँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ एचएस में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स है 300 से लेकर उसका ऊपर तक, और सेकंड डिवीजन है 225 से लेकर 299 तक, और थर्ड डिवीजन मार्क्स है 100 से लेकर 224 तक। तो आप लोग समझ पाएँ एचएस में कौन सा और कितना मार्क्स मिलने से मिलता है फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। अब मैं बात कर रहा हूँ लेटर मार्क्स। देखिए एचएस में जो लेटर मार्क्स है वो है 80, एचएसएलसी के तरह समान है, ठीक है। एचएसएलसी में तो 80 मिलने से मिलता है लेटर मार्क्स, ठीक इसी तरह एचएस में भी 80 मिलने से मिलता है लेटर मार्क्स। तो आप लोग समझ पाएँ, तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो उम्मीदवार इस साल एचएसएलसी का एग्ज़ाम दिए हैं, एचएसएलसी का एग्ज़ाम दिए हैं उनका तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है। और 25 जून को जो एग्ज़ाम निकलने वाला है एचएस का, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा तो जिन उम्मीदवारों का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा होगा वो आप लोग अपनी हायर स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग एक काम कीजिएगा, काफ़ी
आसाम पे और पूरे भारत में HS लेवल का काफ़ी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकलता है, जॉब वैकेंसीज निकलता है, आप लोग इसमें भी अप्लाई कीजिएगा। आप लोग सिर्फ स्टडी को लेकर व्यस्त मत रहिएगा, आप लोग हायर स्टडी करेगा ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग साथ साथ आप लोगों को HS का वाला ग्रेजुएशन का जो पोस्ट निकलता है, जो गवर्नमेंट जो जॉब निकलता है, रिक्रूटमेंट निकलता है, उसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने में आप लोगों को मदद यही मिलेगा कि आप लोग जब अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई ख़त्म करके जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा, आप लोग उस एग्ज़ाम पे क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो उम्मीदवार हाई टैलेंटेड है वो तो HS के एग्ज़ाम देखो, किसी भी HS गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे और जॉब पाएंगे ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग HS एग्ज़ाम देके घर में नहीं बैठे बैठिए, जो पढ़ाई छोड़ देंगे वो आप लोगों तो अपना काम कर लेंगे, और साथ ही साथ आप लोग अपना परसेंटेज को बेसिस पे आप लोग काफ़ी आसाम की काफ़ी और पूरी भारत की काफ़ी रिक्रूटमेंट निकले उनमें अप्लाई कीजिएगा ठीक है। और अब मैं बात कर रहा हूँ HS के बारे में और दो तीन बातों के लिए, आप लोग याद रखिए कि आप जिस किसी भी गवर्नमेंट अप्लाई में अप्लाई करें और जिस किसी में आप लोग क्षेत्र में आप लोग जाए, आप लोगों का HS का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को जिन्होंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया, आप लोगों का एग्ज़ाम का परसेंटेज बहुत अच्छा होगा, और जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम में ख़राब होगा रिजल्ट, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग फिर से स्टडी कीजिए और आप लोग अच्छा रिजल्ट करने के लिए कोशिश करिए ठीक है। ये तो नियम ही है कि जिस किसी भी अगर एग्ज़ाम में बैठेगा काफ़ी लोग पास करेंगे, काफ़ी फेल करेंगे, ये पास और फेल निर्भर करता है एक स्टूडेंट की हार्ड लेबर पर। जितना जो हार्ड लेबर करेगा उसका इतना अच्छा रिजल्ट होगा, और जितना जो हार्ड नहीं करेगा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ठीक है। तो यही थी आज की इस वीडियो में जानकारी, मैं आपने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि आसाम जो HSLC HS का एग्ज़ाम होता है, उस HS एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या होता है, HS एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिलने से मिलता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, और साथ में बताया आप लोगों को कि आप लोग कौन सी मार्क कितनी मार्क मिलने से आप लोगों को मिलता है लेटर मार्क्स। और आप बता रहा हूँ HS का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आप लोग कौन सी ऐप के मदद से देख पाएंगे ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा HS का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का आप लोगों को रिज़ल्ट देखने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से दो ऐप डाउनलोड करना पड़ता है ठीक है। उन दो ऐप के मदद से आप लोग HS का रिज़ल्ट देख पाएंगे। उन दो ऐपों का नाम है, पहला ऐप का नाम है HS रिज़ल्ट ऐप 2020 और दूसरा ऐप का नाम है उपलब्ध दो ऐप। इन दो ऐपों में से जिस किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करके आप लोग अपना HS का रिजल्ट देख पाएंगे बिना दिक्कत में पड़ के, बिना झंझट में पड़ के ठीक है। तो जो उम्मीदवार HS का रिजल्ट देखना चाहते हैं फास्ट, तो आप लोग इस दोनों ऐप में से किसी भी ऐप को प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। तो आज का इन्फॉर्मेशन यही तक, तो सभी को इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामना।